हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। पहले भी एक पार्ट पढ़ा चुके हैं और भी है जो थोड़ा बहुत उसमें जो भी अभिक्रिया बच गई थी उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो भी जाके देख लीजिए, नहीं देखे फिर भी कोई बात नहीं, इस वक्त देख लीजिए। ठीक है, पिछले वाला भी देखना जरूरी है क्योंकि उसमें अच्छे से बताया गया। इसमें थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलेंगे क्योंकि पिछले बार में सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया गया था। ठीक है, इसमें अभिक्रिया के एकदम मेन पॉइंट पर जाएंगे। ठीक है, चलो अब हमने क्या देखा था कि के एम एन ओ फोर में डायलोड एस टू एस ओ फोर कहां पे हो रहा था, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, अम्लीय माध्यम में हम कर रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ पे H2SO4 और जब यहाँ पे क्या कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे, क्या हो जाता था, के किसके साथ अभिक्रिया कर रहे थे, सल्फेट के साथ, तो हो जा रहा था K2SO4 प्लस में। फिर Mn किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, SO4, तो क्या हो जाता था, MnSO4, है ना, ये हो जा रहा था। अब यहाँ पे प्लस में क्या बच जा रहा था, तो प्लस में देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 2 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही 2 डाले तो Mn कितना हो गया, Mn भी 2 हो गया, यानी मैंगनीज 2 हो गया, लेकिन इधर देखो Mn कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2। अब जैसे ही यहाँ पे 2 डाले तो 2 सल्फेट, 1 सल्फेट कितना हो गया, 3। अब 3 सल्फेट और इधर कितना है दिखाई दे रहा है, 1 सल्फेट, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 3। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया है, 4 × 8, और हाइड्रोजन कितना है, 3 × 6, तो कितना, हमको पता है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 से जल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, जल का, यानी कि 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा और इसी से क्या होगा, जल का निर्माण होगा, ये हम पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, इसमें जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को ले रहा है तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब कितने ऑक्सीजन को लेगा, तो 3 ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, यानी कि 2:1 में क्या बनता है, पानी बनता है, 2:1 में 1 ऑक्सीजन होगा तो 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6, तो कितना ऑक्सीजन लेगा, इधर से 3 लेगा, तो क्या हो जाएगा, 3H2O। अब प्लस में कितना ऑक्सीजन बच गया है, हमने पिछले क्लास में बताया था, यदि आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा सही से। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे 3H2 हो गया, अब उसके बाद जो ऑक्सीजन बच गया उसको लिख दें, 8 ऑक्सीजन था हमारे पास तो लिख दिया, इधर 5 बच गया, तो ठीक है, ये अभिक्रिया बताया था। उसमें भी और भी बताए थे, 2 अभिक्रिया और बताए थे, उसमें बताए थे कि जो जो अभिक्रिया करेंगे, और इसे एक चीज और बताया था, क्या बताया था, इसे क्या कहेंगे, बेस रिएक्शन करेंगे, यानी बेस रिएक्शन कहेंगे, बेस रिएक्शन क्या कहेंगे, बेस रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, बेस रिएक्शन, क्योंकि जितना भी अभिक्रिया होगा अम्लीय माध्यम में इसी के ऊपर आधारित रहेगा। ठीक है, चलो अब हमने बहुत सारे जो यौगिक थे उसके साथ क्या बोले थे, अभिक्रिया होंगी, यदि पिछले क्लास बार बार बोलेंगे, पिछले क्लास यदि नहीं देखे तो देख के आइए, तब जाके ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, और जो जो देख लिया है वो और भी देख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चल अब हमने क्या करा था, क्या किया था कि यहाँ पे H2S के साथ अभिक्रिया कराया था वो देख लिए थे, फिर SO2 के साथ देख लिए थे, SO2 के साथ भी देख लिए थे। ठीक है, ये सभी अभिक्रिया देख लिए थे। चलो अब नेक्स्ट देखना है, क्या नेक्स्ट है, हम क्या कराते हैं, प्रथम पद्धति में तो यही हो जाएगा, प्रथम पद में क्या करेंगे, प्रथम पद में KMnO4 से TH2SO4 का इसका अभिक्रिया करेंगे, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो बचा है ऑक्सीजन वही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया करेगा। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, NA2SO3। यदि आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ताकि उसमें पता चले किसके साथ कौन सा रिएक्शन कराया गया है, नहीं कराया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो अब यहाँ पे देख रहा है Na2SO3 के साथ, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, Na2 और क्या हो जाता है, SO4, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, द्वितीय पद्धति, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, कैसे, चल ऐसे लिख लेते हैं,
द्वितीय पंक्ति के लिए क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर लिखना चाहिए था। ये जो है ये रिएक्शन प्रथम पद नीचे होगा, हम फिर से हम दिखा देते हैं, इसको हम ऐसे चिन्ह खींचेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एन ए टू एस ओ थ्री का अम्लीय अम्लीय के एम एन सॉरी के टू हाँ ठीक है केम एन एस सॉरी केम ओ फोर के साथ अभिक्रिया, ठीक है क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ, NO2 के साथ अम्लीय, किसके अम्लीय जो है KMnO4 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। हमने तीन माध्यम से बोला था कि पहले तीन माध्यम से क्या होंगी, पोटेशियम पर मैंगनेट का अभिक्रिया होगा, पहला अम्लीय माध्यम, दूसरा क्या बताया था क्षारीय, तीसरा क्या बताया था उदासीन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे NO2 की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो प्रथम पद्धति में क्या करेंगे KMnO4 का पूरा रिएक्शन लिख लेंगे। तो प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे के एम एन ओ फोर ओ फोर और प्लस में डायलोड जो मिला थे तो कौन सा था SO4 H2SO4, इसके साथ क्या प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पे के टू एस ओ फोर प्लस में टू एम एन एस ओ फोर और प्लस में क्या आ रहा था थ्री एच टू ओ और प्लस में क्या प्राप्त हो रहा था फाइव ऑक्सीजन। तो इसे हमने बोला था बेस रिएक्शन है तो इसी पर आधारित होगा, ठीक है। अब प्रथम पद में हो गया, द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद में तो द्वितीय पद में क्या करेंगे NO2 SO3 में एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Na2 SO3 अब प्लस में क्या करेंगे एक ऑक्सीजन जोड़ दिए तो क्या हो गया Na2 SO4 ये हो गया, ठीक है SO4 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे पांच से गुना कर देंगे, पांच से गुना करो या पांच यहाँ पे लिख दो, बात वही है लेकिन ज्यादा यही अच्छा लग रहा है तो इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जो दाएं वाला है उसको एक साथ जो दाएं वाला उसको एक साथ और बाएं वाला को एक साथ, यानी कि प्रथम पद में जो रिएक्शन हुआ है इसको दाएं वाला को एक साथ और इसमें जो द्वितीय पद में रिएक्शन हुआ उसको दाएं बाएं वाला को एक साथ, बाएं और बाएं को एक साथ, दाएं और दाएं को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, तो हम इसको हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, हमने बोला बाएं वाले को एक साथ, ये बाएं वाला हो गया और ये क्या है दाएं वाला, यानी तीर के उधर वाले को दाएं वाला बोलेंगे, ठीक है। तीर के इधर वाले को एक साथ लिखेंगे, तीर को उधर वाले को एक साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हम एक चिन्ह दे देते हैं ना, चलो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये हो गया, देखो पहले हम किसको लिखेंगे ऊपर वाले को, प्रथम पद वाले को, तो क्या आ जाएगा के एम एन एस ओ फोर और प्लस में क्या आ जाएगा एस टू एस ओ फोर और प्लस में देखो Na2SO3 है लेकिन यहाँ से पांच से गुना हो जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पांच से गुना होगा तो हो जाएगा 5Na और क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पे दस में हो जाएगा चलो यहाँ पे जैसा है वैसे लिख देंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है NO2SO3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5Na2SO3 और यहाँ पे क्या करेंगे 5 पांच से गुना हुआ क्या हो गया 5 तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीर का निशान देंगे, ठीक है तीर का निशान दिए। अब ये जो ऊपर वाला है प्रथम पद का जो दाएं साइड का जो समीकरण दिखाई दे रहा है, दाएं साइड का जो यौगिक शब्द दिखाई दे रहा है उसको क्या रखेंगे एक साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के टू एस ओ फोर और क्या आ जाएगा टू एम एन एस ओ फोर ये हो गया। अब प्लस में क्या बच गया तो प्लस में थ्री एच टू ओ और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, क्या है 5 ऑक्सीजन और इधर वाले को भी लिख लेंगे तो 5 से गुना हो गया, 5 से गुना हो गया। देखो इस साइड वाले को एक साइड और इधर वाले को भी इसके साथ ही लिखना है तो क्या आ जाएगा प्लस में नीचे लिख दे
प्लस में 5Na2SO4 ये हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या समान दिखाई दे रही है, इसको मिटा दे नीचे, चलो इसकी तो अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो समान चीज, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 5 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो इसको क्या करेंगे, खत्म खत्म हो जाएगा। चलो अब इसको हम नीचे लिखते हैं, इसको मिटा दें, चलो इसको हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, KMnSO4 प्लस में H2SO4 प्लस में 5Na2SO3 और क्या आ जाएगा, तीर का निशान देंगे, फिर K2SO4 प्लस में 2MnSO4 प्लस में क्या आ जाएगा, 3H2O प्लस में क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे, 5Na2SO4 ये हो गया रिएक्शन, है ना, ये रिएक्शन हो गया। चलो तो इसका रिएक्शन हो गया किसका, Na2SO3 का रिएक्शन हो गया, किसके साथ, तो अम्लीय KMnO4 के साथ, इसको उतारिए तो। चलो अब हम इसका हम क्या कर रहे हैं, NaNO2 का अम्लीय KMnO4 से अब क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम NaNO2 का हम क्या करते हैं, या तो ऐसे कर लेते हैं, पहले फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं, प्रथम पद में वही रिएक्शन होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथम पद में क्या रिएक्शन दिखा दे रहा है, तो KMnO4 प्लस में डायलोड H2SO4 आप क्या हो जा रहा है, डायलोड H2SO4 के साथ ये अभिक्रिया करके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे K2SO4 प्लस में क्या हो जा रहा है, MnSO4 यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3H2O प्लस में 5 ऑक्सीजन बच जा रहा है, ठीक है। और इसका हमने क्या बोला था, ये बेसिक रिएक्शन है तो ये सभी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे द्वितीय पद्धति में देखेंगे, द्वितीय पद में ठीक है, द्वितीय पद में क्या हो जा रहा है, तो द्वितीय पद में NaNO2 से अभिक्रिया करा रहे हैं किसका, अम्लीय KMnO4 से, ठीक है। तो इसमें 5 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ये तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे NaNO2 के साथ 1 ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, NaNO3 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1 ऑक्सीजन लिए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 5 ऑक्सीजन से गुना करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसको गुना कर दिए तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ कैसे देंगे, तो ये बाएं वाला जो है, ये बाएं वाला इसको एक साथ लिखेंगे और ये दाएं वाले को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको उतार लीजिए ताकि हम ऊपर अच्छा से बता दें। अब हम नीचे लाइन खींचेंगे, यही जैसे लाइन खींचे, ठीक है। अब बाएं वाले को एक साथ और दाएं वाले को एक साथ, तो इधर देखो यहाँ पे पहले किसको लिखेंगे, प्रथम पद में जो रिएक्शन हुआ है उसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, KMnO4 प्लस में H2SO4 और क्या करेंगे, सॉरी हाँ ये वाले को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2 5NaNO2 5NaNO2 प्लस में ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन तो है ही ना, इधर 5 ऑक्सीजन है, इधर भी 5 ऑक्सीजन कट ही जाएगा, चल ले लो देख लेना फिर अगले वाले में, तो यहाँ पे क्या है, 5 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तीर का निशान देंगे, यानी अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर का तो हो गया, अब इधर वाले का रिएक्शन लिखेंगे, तो पहले प्रथम पद वाले को लिख देते हैं, तो K2SO4 प्लस में क्या है, 2MnSO4 और प्लस में क्या है, 3H2O प्लस में क्या है, 5 ऑक्सीजन ये है। अब इसको लिखेंगे किसको, जो ये नीचे द्वितीय पद्धति में दिखाई दे रहा है, द्वितीय पद वाले कौन है, नीचे वाले, ठीक है, ये नीचे वाले को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5NaNO3 क्या हो जाएगा, 5NaNO3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5NaNO3। अब इसमें आपको तो सही से समझ आ ही हुआ कहाँ क्या करना है,
यहाँ पे पांच ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी पांच ऑक्सीजन है, कट गया। अब इसको जो है सो नीचे लिख लीजिए, है ना। चल यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, चल इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम ब्लैक से लिख देते हैं, यहाँ पे के एम एन ओ फोर प्लस में एच टू एस ओ फोर प्लस में फाइव एन ए एन ओ टू, अब प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में तो है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। चलो अब यहाँ पे तीर का निशान देंगे, के टू एस ओ फोर प्लस में टू एम एन एस ओ फोर, और क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा थ्री एच टू ओ, इसको सही लिखते हैं थ्री एच टू ओ, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फाइव एन ए एन ओ थ्री, ठीक है। कितना आ जाएगा फाइव एन ए एन ओ थ्री, ये रिएक्शन हो गया। चलो ये हो गया, ये हुआ, इसको उतारिए। हम नेक्स्ट हम बता देते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में, जो आपको समझ आ जाए सही से। इसके बाद अब बचा है एच आई के साथ और के आई के साथ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या एच आई का अम्लीय के एम एन ओ फोर से अभिक्रिया, ठीक है। अम्लीय के एम एन ओ फोर से अभिक्रिया, तो प्रथम पद्धति में हम यही सब लिखेंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। ज्यादा आप वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम ऐसे शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रथम रिएक्शन है, चलो इसको हम रहने देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एच आई के साथ ऑक्सीजन एक मिलाते हैं, मिलाए थे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जा रहा था, यहाँ पे एक देखो यहाँ पे दो डाल देंगे, ठीक है, पिछले बार बताया था। चलो यहाँ पे दो डाल दिए, अब दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बना लेगा पानी, तो H2O। और यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन के लिए भी है तो दो आयोडीन के लिए भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लिए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे पांच से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, तो बाएं वाले को एक साथ दाएं वाले को एक साथ, तो क्या हो जाएगा टू के एम एन ओ फोर, अब प्लस में क्या हो जाएगा थ्री एच टू ओ, थ्री एच टू ओ थ्री, सॉरी थ्री एच टू एस ओ फोर ना, थ्री एच टू एस ओ थ्री एच टू एस ओ फोर, और क्या करेंगे अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब इसको लिखेंगे, है ना, पाँच से गुना होगा, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में पाँच दुनी दस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन टेन एच आई, टेन एच आई हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को तो नहीं लिखते क्योंकि ऑक्सीजन इधर भी पाँच ऑक्सीजन हो गया तो कट जाएगा, ठीक है, इसको ऑक्सीजन का ना लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव एच टू ओ, फाइव एच टू ओ, अब प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में फाइव आई टू, ये हो गया फाइव आई टू। अब ये हो गया, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ रुक जा एक मिनट, गड़बड़ आ गया, ऊपर वाला लिखना था ना एच आई। चलो ध्यान देना, यहाँ पे तीर का निशान दिया, तो पहले प्रथम पद में जो रिएक्शन हो उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रथम पद में कौन सा है, तो पहले लिखेंगे के टू एस ओ फोर प्लस में टू एम एन एस ओ फोर, अब प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा थ्री एच टू ओ, अब प्लस में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन को तो रहने देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव एच टू ओ, सॉरी फाइव टू एच फाइव एच टू ओ। अब यहाँ पे और क्या आ जाएगा, तो फाइव प्लस में फाइव आई टू, ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें तो ऑक्सीजन पहले ही हम खत्म कर दिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है पाँच, तो ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लिखे। ये रिएक्शन हो गया एच आई का अम्लीय के एम एन ओ फोर से अभिक्रिया, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आप देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड का अम्लीय के एम एन ओ फोर से अभिक्रिया
के लिए, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप में तो वही करेंगे, क्या करेंगे, वही जो रिएक्शन है वही लिखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड यानी द्वितीय पद में, द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद में ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है सी डबल ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, एक ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कितना दिखाई दे, दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच टू ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है चार, तो क्या हो जाएगा टू सी ओ टू, कोई दिक्कत इसमें, चलो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे गुने पाँच करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि प्रथम पद्धति में हम देख रहे हैं कि जो बी एस रिएक्शन है उसमें पाँच ऑक्सीजन है लेकिन लिए कितना है एक, तो इसको हम पाँच ऐसे लिख ले बताए थे वैसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी को जोड़ कर लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो पहले वाले को हम लिख देंगे, बाएं वाले को बाएं साइड, यानी इसमें भी बाएं उसमें भी बाएं, तो दोनों को क्या एक साथ लिखेंगे, तो पहले प्रथम पद वाले को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा टू के एम एन ओ टू के एम एन ओ फोर प्लस में एच टू एस ओ फोर प्लस में थ्री होगा ना, हाँ। और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, देखो प्लस में हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस में सी फाइव हो जाएगा ना, सी डबल ओ एच सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, ये कितना है फाइव है, ठीक है। अब प्लस में क्या आ जाएगा, फाइव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखे रहने देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन खत्म हो जाए, लिख दे दे, चलो फाइव ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पद वाले को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा के टू एस ओ फोर, और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस टू एम एन एस ओ फोर, और प्लस में क्या आ जाएगा थ्री एच टू ओ, और प्लस में क्या आ जाएगा फाइव ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा फाइव ऑक्सीजन, फाइव ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, द्वितीय पद वाले में, तो क्या आ जाएगा प्लस में फाइव फाइव एच टू ओ, और प्लस में क्या आ जाएगा पांदनी दस, तो क्या आ जाएगा टेन सी ओ टू, ये हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, है ना, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, वही सेम है जो खत्म हो गया उसको हम लिख लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन हटाना है, किसको हटाना है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को लिख लीजिए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे टू के एम एन एस सॉरी टू के एम एन ओ फोर प्लस में एच टू एस ओ फोर, और क्या आ जाएगा प्लस में फाइव सी डबल ओ एच और सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे रहने देते हैं, ऐसे ऐसे ही ठीक लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में, प्लस में क्या आ जाएगा फाइव ऑक्सीजन, तो खत्म हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे तीर का निशान देंगे, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे ये वाला लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा के टू एस ओ फोर, और प्लस में क्या हो जाएगा टू एम एन एस ओ फोर, और प्लस में क्या आ जाएगा थ्री एच टू ओ, प्लस में क्या आ जाएगा ये खत्म है ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म है ना जी, तो ये हो जाएगा फाइव एच टू ओ, यहाँ तो लिख लिए, अब ये हो जाएगा फाइव फाइव एच टू ओ, और प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा टेन सी ओ टू। अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ पे तीन पानी है, यहाँ पे पांच है, तो क्या आ जाएगा आठ पानी, तो इसको एक ही साथ लिख लेते हैं ना, चलो यहाँ पे एक ही साथ लिख लेते हैं, तो प्लस में एट एच टू ओ, और प्लस में क्या आ जाएगा टेन सी ओ टू, ये हो गया। अब बताओ इसमें क्या कोई दिक्कत, हाँ इसमें कोई दिक्कत, तो हमारा जितना भी जिसके साथ भी रिएक्शन कराना था वो कंप्लीट हो चुका है, जो भी दो चार बच्चा है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आसान है, जो जो टॉप वाला था वो हम बता दिए हैं, ठीक है, उसके अनुसार पर इसके बेस के आधार पर आप लोग इसका जो रासायनिक अभिक्रिया वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।